हेलो गाइस। तो गाइस मैं लास्ट वीडियो पे एंड्रॉयड के बारे में डिस्कस किया था। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर एक डिवाइस पे अवेलेबल है। मोबाइल पे अवेलेबल है, टैबलेट पे अवेलेबल है, वॉच पे भी अवेलेबल है, और आजकल जो घर पे टीवी है टीवी पे भी एंड्रॉयड इंस्टॉल है। तो एंड्रॉयड कब डेवलप्ड हुआ है और किस किस कंपनी मिलके एंड्रॉयड को एस्टेब्लिश किया है, मैं लास्ट वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोग जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और मैं कमेंट सेक्शन पे भी दे रखा हूँ लिंक, आप लोग जाके देखिए। तो गाइस मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, 84 कंपनीज का शेयर्स है एंड्रॉयड पे और गूगल ने एस्टेब्लिश किया है 5 नवंबर 2007 पे एस्टेब्लिश किया है और लीड किया है गूगल ने, और 84 कंपनीज का शेयर्स है एंड्रॉयड पे। तो इसके बाद में फीचर्स भी डिस्कस किया था एंड्रॉयड का। वो है एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है और ओपन सोर्स यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे जो एंड्रॉयड का जो फीचर्स है, वाईफाई है एंड्रॉयड पे, ब्लूटूथ है, मीडिया सपोर्ट्स करता है एंड्रॉयड, लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, जीपीएस यूज़ करके लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी सपोर्ट्स करते हैं एंड्रॉयड पे। तो गाइज आप लोग लास्ट वीडियो पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को आप लोग देखिए। तो आज मैं इस वीडियो पे एंड्रॉयड वर्जन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड्रॉयड वर्जन्स क्या है? तो गाइस मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया था, 5 नवंबर 2007 पे एस्टेब्लिश हुआ था, गूगल ने एस्टेब्लिश किया था। तो देखिए इस 2007 के बाद गूगल ने बहुत सारा एंड्रॉयड वर्जन्स रिलीज किया है। इधर आप लोग देख सकते हो, इस जो लिस्ट है यहाँ पे, लिस्ट पे आप लोग देख सकते हो, पहला जो वर्जन है गूगल ने रिलीज किया है वो है एप्पल पाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाना ब्रेड, कप केक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोरो, देन देखिए यहाँ पे जिंजर ब्रेड, जेली बीन्स, किट कैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगाट, ओरियो पाई। तो गाइस यहाँ पे गूगल का जो स्पेशलिटी है इस एंड्रॉयड नामकरण करने के लिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहला जो नाम यहाँ पे किया है एंड्रॉयड पे वो है एप्पल पाई, मींस इंग्लिश अल्फाबेट एस लेटर से स्टार्ट किया है और पी पे ख़त्म किया है। यहाँ पे देखिए पहला जो एंड्रॉयड का नामकरण किया है वो है एप्पल पाई, और एप्पल पाई के बाद यहाँ पे पी से स्टार्ट किया है बनाना ब्रेड, उसके बाद सी से स्टार्ट किया है कप केक, इसके बाद डी से स्टार्ट किया है डोनट। तो ऐसा करके आप लोग पी पे, दैट इज़ पी लेटर पे ख़त्म किया है, दैट इज़ पाई। तो आप लोग देख सकते हैं इसका स्पेशलिटी है गूगल का। तो गाइस मैं नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगा, जो पहला जो वर्जन था वो है एंड्रॉयड 1 और सितंबर 2008 पे रिलीज हुआ है एंड्रॉयड वर्जन 1। उसके बाद देखिए फरवरी 2009 पे एंड्रॉयड 1.1 रिलीज हुआ था। तो पहला जो वर्जन है वो है एंड्रॉयड 1, दैट इज एप्पल पाई, इसका एंड्रॉयड का नाम है एप्पल पाई। उसके बाद बनाना ब्रेड, दैट इज फरवरी 2009 पे रिलीज हुआ था और इसका जो वर्जन है वो है एंड्रॉयड 1.1। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पे कप केक, अप्रैल 2009 पे रिलीज हुआ है। तो इसके बाद देखिए डोनट, सितंबर 2009 पे रिलीज हुआ है, और इसके बाद देखिए इक्लियर, अक्टूबर 2009 पे रिलीज हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए साल 2009 पे यहाँ पे तीन एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे रिलीज हुआ था, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर पे रिलीज हुआ था। डोनट सितंबर 2009 पे रिलीज हुआ था और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 1.6। इसके बाद देखिए इक्लेयर, अक्टूबर 2009 इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 2.0। इसके बाद देखिए फ्रूयू, दैट इज मई 2010 पे रिलीज हुआ था और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 2.2। इसके बाद देखिए जिंजर ब्रेड, दिसंबर 2010 पे रिलीज हुआ है और इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है वो है 2.3। तो गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बोल देता हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड का जो फीचर्स है, एंड्रॉयड का जो फंक्शनलिटीज़ है, यहाँ पे देखिए एक साल के बाद पीरियडिकली यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन्स को रिलीज़ किया था, क्योंकि एंड्रॉयड का जो फीचर्स है, फंक्शनलिटीज़ है, वो इंक्रीज करने के लिए गूगल ने रिलीज़ करता था पीरियडिकली एंड्रॉयड वर्जन्स। तो देखिए इसके बाद देखिए हनीकम, दैट इज़ फरवरी 2000
फिलिपेन पे रिलीज हुआ था, और जो इसका जो भाषण है वो है 3.0। इसके बाद देखिए आइसक्रीम सैंडविच अक्टूबर 2000 एलिपेन पे रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण से देखिए आइसक्रीम सैंडविच का जो भाषण से वो है 4.0। जेलीबी नवंबर 2012 पे रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण है 4.1। किटकैट अक्टूबर 2013 पे रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण है 4.4। लॉलीपॉप नवंबर 2014 पे रिलीज हुआ है, और इसका भाषण है 5.0। इसके बाद देखिए अक्टूबर 2015 पे मार्शमेलो रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण है वो है 6.0। उसके बाद देखिए नोगाट, तो गाइस नोगाट अगस्त 2016 पे रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण है देखिए 7.0 और 7.1। तो देखिए नेक्स्ट जो एंड्रॉयड का भाषण है वो है ओरियो, और ओरियो अगस्त 2017 पे रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण है देखिए एंड्रॉयड 8.0। और इसके बाद देखिए पाई अगस्त 2018 पे रिलीज हुआ था, और इसका जो भाषण है देखिए 9.0। तो गाइस पाई के बाद फिर से गूगल ने क्या किया, दैट इज एंड्रॉयड क्यू रिलीज किया, और इसका जो वर्जन है दैट इज 10.0, और सितंबर 2019 पे रिलीज किया है एंड्रॉयड क्यू। इसके बाद देखिए एंड्रॉयड 11, और एंड्रॉयड 11 का जो वर्जन है वो है एंड्रॉयड 11 ही है, और इसका जो रिलीज डेट है वो है सितंबर 8, 2020। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है एंड्रॉयड 11 2020 पे रिलीज हुआ है, और देखिए इसका हर एक जो वर्जन है एंड्रॉयड का हर एक वर्जन का एपीआई लेवल भी है। तो गाइस मैं हर एक मिस वर्जन का एंड्रॉयड वर्जन का एपीआई लेवल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे एप्पल पाई का जो एपीआई लेवल है वो है 1, बनाना ब्रेड का जो एपीआई लेवल है वो है 2, कपकेक का एपीआई लेवल है 3, डोनट का 4, इक्लेयर का 5 से 7 तक, और फ्रूयो का जो एपीआई लेवल है वो है 8। इसके बाद देखिए यहाँ पे जिंजर ब्रेड का जो एपीआई लेवल है वो है 9 से लेके 10 तक, और हनीकम का जो एपीआई लेवल है 11 से लेके 13 तक। तो ऐसा करके आप लोग इस टेबल पे देख सकते हो, और जो अभी जो लेटेस्ट एपीआई चल रहा है एपीआई लेवल वो है 30, और एंड्रॉयड 11 का ही चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है और एपीआई लेवल। तो गाइस एपीआई लेवल क्या है मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, एंड्रॉयड एपीआई लेवल एक इंटीजर वैल्यू है जो यूनिकली आइडेंटिफाइज करता है फ्रेमवर्क एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, और गूगल प्रायोरिटिकली क्या करते हैं इस एपीआई लेवल को इंक्रीज करते हैं, अपडेट करते हैं न्यू फीचर्स और फंक्शनलिटीज के लिए एंड्रॉयड वर्जन के साथ। तो गाइस मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, जब आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करोगे तब आप लोगों को एंड्रॉयड एपीआई लेवल के बारे में फुल्ली समझ में आएगा क्या है एंड्रॉयड एपीआई लेवल। तो गाइस मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बोलता हूँ, सपोज मैं 23 एपीआई लेवल यूज करके एक एंड्रॉयड एप्स बनाया है, वो एप्स 23 एपीआई लेवल का जो एंड्रॉयड वर्जन है दैट इज एंड्रॉयड 6 वर्जन पे ही चलेगा, और एंड्रॉयड 6 वर्जन का जो लोअर वर्जन है दैट इज एंड्रॉयड 5, 4 पे ही सपोर्ट करेगा वो एप्स, मगर 24, 25, 26 लेवल पे एपीआई लेवल पे नहीं चलेगा। तो गाइस मैं यही बात आप लोगों को बोलना था, जब आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाओगे तब आप लोगों को फुल्ली समझ में आएगा क्या एपीआई लेवल क्या है। तो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड कहाँ से आया है और कैसे एस्टेब्लिश हुआ है। तो गाइस मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, यहाँ पे जो बंदा आप लोग देख रहे हो यहाँ पे एंडी रोबिन, तो एंडी रोबिन ने इन्वेंटेड किया है एंड्रॉयड को, और एंडी रोबिन के नाम से ही एंड्रॉयड नामकरण हुआ है, और एंडी रोबिन के साथ यहाँ पे जो आप लोग बंदे देख रहे हो रिच मीनर, निक शियर्स और क्रिस वाइट ने मिलकर एंड्रॉयड को 2005 पे इन्वेंटेड किया था। तो गाइस मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 2007 पे गूगल ने एस्टेब्लिश किया है मींस एक्वायर किया है एंड्रॉयड को, और 2005 पे इन्वेंटेड हुआ था एंड्रॉयड एंडी रोबिन के द्वारा। तो गाइस उस टाइम पे अमेरिका में कैमरा का बिजनेस हो रहा था, और कैमरा पे एंड्रॉयड इंस्टॉल करके बिजनेस कर रहा था,
तो साइडेंट कैमरा का बिजनेस डाउन हो गया था, तो इसलिए गूगल ने क्या किया, एंड्रॉयड को मोबाइल पे इंस्टॉल किया और मोबाइल आज बहुत ही पॉपुलर है मार्केट में। और गाइज एंड्रॉयड का जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ते जा रहा है। तो गाइज चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एंडी रोबिन ने पहले एंड्रॉयड को एस्टैब्लिश किया है कैलिफोर्निया पे अक्टूबर 2003, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 17 अगस्त 2005 पे गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर किया है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर पॉइंट है, यहाँ पे एंडी रोबिन और रिच मीनर, क्रिस वाइट एंड निक शियर्स चार बंदा मिलकर एंड्रॉयड को इन्वेंटेड किया है। तो गाइज नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ओरिजिनली इंटेंटेड फॉर कैमरा बट शिफ्टेड टू स्मार्टफोन्स लेटर बिकॉज ऑफ लो मार्केट फॉर कैमरा ओनली। तो गाइज मैं ऑलरेडी इस पॉइंट को मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे। तो देखिए पहले एंड्रॉयड बनाया है कैमरा के लिए और उसके बाद शिफ्टेड हुआ है स्मार्टफोन्स पे, क्योंकि कैमरा का जो बिजनेस है वो ज़्यादा नहीं हो रहा था वहाँ पे, तो इसलिए एंड्रॉयड को मोबाइल पे शिफ्टेड किया था। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड इज द निकनेम ऑफ एंडी रोबिन गिवन बाय कोवर्कर्स बिकॉज ऑफ हिज लव टू रोबोट्स। तो ऑलरेडी मैं बोला था क्योंकि एंडी रोबिन की नाम से ही एंड्रॉयड का नामकरण हुआ है। इसके बाद देखिए 2007 पे गूगल अनाउंस किया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके बाद देखिए 2008 पे फर्स्ट एंड्रॉयड मोबाइल लॉन्च हुआ था HTC कंपनी का। तो गाइज इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया है बेसिक एंड्रॉयड के बारे में। अगर नहीं आया तो रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखिए। तो गाइज इस वीडियो पे आप लोगों को कोई इशू है रिगार्डिंग दिस वीडियो और आप लोग और भी जानना चाहते हो एंड्रॉयड के बारे में, तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरीज ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो गाइज मैं आप लोगों को बोल देता हूँ मार्केट में बहुत सारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, कैटेगरीज है एप्लीकेशन का, लाइक म्यूजिक सुन सकते हो एंड्रॉयड मोबाइल पे, और डिफरेंट म्यूजिक एप्लीकेशन है मार्केट पे आप लोग देख सकते हो। स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारा एप्लीकेशन है, ट्रेवल के लिए है, बिजनेस के लिए है, सोशल मीडिया के लिए, न्यूज़ के लिए बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन है मार्केट पे, लाइफस्टाइल के लिए, वेदर के लिए, रेफरेंस के लिए, यूटिलिटीज़ के लिए, मल्टीमीडिया के लिए आप लोग बहुत सारा डिफरेंट मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है, मीन्स गाना सुनने के लिए, वीडियो देखने के लिए, तो फूड एंड ड्रिंक के लिए भी एप्लीकेशन है, बुक्स, नेविगेशन, फाइनेंस। तो गाइस इस वीडियो पे इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो पे और एक टॉपिक लाऊंगा एंड्रॉयड का। तो गाइस इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए आपकी फ्रेंड के साथ, और अगर इस चैनल पे आप लोग बिगिनर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करके ऑल प्ले क्लिक करिए, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोगों को दोबारा जाके इस चैनल को सर्च नहीं करना होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।